हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी एक सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, आप सोशल मीडिया पर अपनी फोटो अपलोड करते हैं या फिर कोई कंटेंट बना के अपलोड करते हैं, तो आपको एक बैकग्राउंड की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो इस कंडीशन में आप बैकग्राउंड किस प्रकार डाउनलोड करेंगे, वो भी फ्री में, तो हम इस प्रोसेस को दिखाने वाले हैं। और साथ ही साथ हम बता देंगे दोस्तों, इसमें हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आप अपने मोबाइल फ्रेम PNG को किस प्रकार डाउनलोड करेंगे। तो दोनों को अभी हम आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ एकदम सिंपल तरीके से। दोस्तों अगर वीडियो हमारे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी आप मैं कोई नया वीडियो लाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल में किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर ले रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो मैं अपने आ गया मोबाइल की स्क्रीन पर दोस्तों। यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में न्यू टैब में आ जाएंगे। तो चलिए मैं न्यू टैब को ओपन कर ले रहा हूँ, इसका डाटा ऑन कर ले रहा हूँ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बैकग्राउंड आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टाइप करेंगे बैकग्राउंड PNG, सिंपल इसको इंटर कर देंगे। ऐसा करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे बैकग्राउंड आ गए हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं बहुत सारे बैकग्राउंड देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर आपको HD में एंड नॉर्मल में 4K में देख सकते हैं बैकग्राउंड मिलेंगे। यहाँ पर HD डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं HD डाउनलोड है। जैसे मैं इसको क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड करने वाला हूँ, इस वाले बैकग्राउंड को, तो उस पर सिंपल टैप करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर नीचे बहुत सारे बैकग्राउंड हैं, तो सिंपल जैसे हम इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करेंगे तो इस पर कुछ समय टाइप करके रखेंगे, उंगली को टाइप करके रखेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउनलोड अगेन फाइल, यहाँ पर डाउनलोड अगेन पर क्लिक करेंगे मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसी प्रकार आप यहाँ पर जितने भी बैकग्राउंड दिखाए गए, ऐसे मैं इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। सेम प्रोसेस है दोस्तों, सब पे टाइप करेंगे डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा, टाइप करेंगे डाउनलोड ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड डाउनलोड हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस दोस्तों मोबाइल फ्रेम PNG का है। तो इससे पहले फिर बैक आते हैं न्यू पेज पर, तो यहाँ पर फिर टाइप करेंगे मोबाइल फ्रेम। मोबाइल फ्रेम PNG ऐसा लिखेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल फ्रेम PNG आ गए हैं। जैसे कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसको हम टाइप करेंगे। आप इसमें जो भी चाहे सेम प्रोसेस से सारे PNG सेम तरीके से डाउनलोड हो गए। अब ये मेरे सामने खुल के आ गया, मैं इस पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ गया है, फिर इसको डाउनलोड अगेन कर लेंगे। देख सकते हैं ये भी डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर जितने भी PNG दिखाए गए हैं सेम प्रोसेस के, सैमसंग का है, इस पर क्लिक करेंगे सब फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड इमेज करेंगे, अगेन करेंगे, देखिए डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर इनको देखने के लिए यहाँ पर 3 डॉट में जाएंगे, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने अभी जितने PG और बैकग्राउंड डाउनलोड किया यहाँ पर देखे हैं, जस्ट नाउ का ऑप्शन आ गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने बिल्कुल इजीली दिखा दिया कि आप किस प्रकार बैकग्राउंड एंड मोबाइल फ्रेम PNG को डाउनलोड कर लेंगे। तो इस वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी वाली वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।